हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ह्यूमन जूलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, जूलॉजी का पार्ट आता है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन भी इनसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं, बहुत ईजी है, सबको डर लगता है पर काफ़ी आसान चैप्टर है। पूरा एनसीईआरटी के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स की यहाँ पे बात करेंगे हम, जो कि एंडोक्राइन, जो कि लैक डक, इनके अंदर डक लेस होता है ये, बट हेंस आर कॉल्ड डकलेस ग्लैंड। और हॉर्मोन्स आर नॉट न्यूट्रिशियन केमिकल विच आर एक्ट इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस अ ट्रेस अमाउंट। कितने अमाउंट में होता है? ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो क्या नॉन न्यूट्रिशन केमिकल है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे देख लो, हाइपोथैलेमस, उसका पिट्यूटरी देख लेना, यहाँ पे पेयर कुछ इतना क्लियर नहीं है, इसको आप एनसीईआरटी से इसको डायग्राम को एक बार देख लेना। बाद में बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। द बेसल पार्ट ऑफ द डायसेफेलॉन एंड फोर ब्रेन एंड इट्स रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। क्या करता है ये? वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सॉरी गाइस। कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरो सेक्रेटरी सेल कॉल्ड द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इनके अंदर प्रेजेंट होता है। टू टाइप्स ऑफ द देखने को मिलता है, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इनिबिटिंग हार्मोन। दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक इनिबिटिंग हार्मोन होता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा जीएनआरएच की, अगर मैं बात करूंगा, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को, रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन को। सोमेटोस्टेटिन, जो कि इनिबिट करता है रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन जो है आपका इनिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को फ्रॉम द पिट्यूटरी से। ठीक है, हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन एज एन एंटीरियर पिट्यूटरी की तरह फंक्शन भी करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल है, और पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आपका एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, और डायरेक्ट कंट्रोल में आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ आता है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। दो पार्ट इसमें आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एड्रेनल हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर पैरोवेरोसोनाम के नाम से जानते हैं इसको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि रिलीज करते हैं दो ही हार्मोन, जो कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एंड एड्रेनल हाइपोफाइसिस जो कि पैराडिस्टलिसिस एंड पैरा इंटरमीडिया आ जाता है। पैराडिस्टलिस में ग्रोथ हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, थायरोसिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होगा, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होगा, लेंथेनाइजिंग हार्मोन होगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होगा। ठीक है, उसका टू पैरा इंटरमीडिया की अगर मैं बात करूंगा, इसमें आ जाएगा मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो जीएच की अगर बात करेंगे, ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रेशन अगर आकर जीएच का स्टिमुलेट करता है तो एबनॉर्मल ग्रोथ गिगेंटिज्म हो जाता है, गिगेंटिज्म हो जाता है। तो अगर ओवर सिक्रेशन देखने को मिलता है, अगर लोअर सिक्रेशन देखने को मिलता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोनाइजेशन के सिक्रेशन कहेंगे, स्टंट ग्रोथ होती है, स्टंट ग्रोथ होती है, रिजल्टिंग पिट्यूटरी डॉर्फनेस। पिट्यूटरी डॉर्फनेस इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर आपको एक्सेसिव सिक्रेशन देखने को मिलता है मिडल ऑफ द एज, कहाँ पे? अडल्ट ग्रुप में, मिडल ऑफ द एज मतलब आप 14-15 साल के होंगे, तब आपके जो क्या होगा, रिलीज अ सेवर डिस फ्रेगमेंट और कॉल्ड एक्रोमेगली हो सकता है। इसके थ्रू एक्रोमेगली के थ्रू क्या होता है, आपका पूरा ही अचानक से आपकी जो ग्रोथ हो जाती है, और आपके जो है हेड और जो पाम्स वगैरह है सब कुछ इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। अगर मैं बात करता हूँ प्रोलैक्टिन की, अगर मैं बात करता हूँ, ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इंटेक। क्या हो जाता है ये? आपका क्या करता है? ग्रोथ करता है मेमरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड के अंदर होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क के अंदर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन देम देखने को मिलता है। उसके बाद तो देखते हैं टीएसएच मतलब टायरोसाइन स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन करता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ACTH जो कि स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लुकोनोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स का करता है। LS लिंथेनाइजिंग हार्मोन जो कि आ जाता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रिनोजेन फ्रॉम टेस्टिस के थ्रू आ जाता है। इन फीमेल इंड्यूस द ओव्यूलेशन एंड फुल्ली मैच्योर ओवी फॉलिकल से। क्या करता है? फुल्ली मैच्योर ओवर फॉलिकल से, ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज करवाता है। मेंटेन द कॉर्पस लुटियम का भी काम ये करता है, मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस लुटियम और फुल्ली मैच्योर जो होता है ग्राफिन फॉलिकल को, उसको इंड्यूस करने में, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने में मदद करता है। ये चीज आपने मेंचुरेशन में तो देखी होगी। FSH की अगर मैं बात करता हूँ, FSH जो कि मेल के अंदर क्या करता है, एंड्रोजन को रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, और फीमेल के अंदर क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ में मदद करता है।
उसके बाद MSH की अगर मैं बात करूँ, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग, जो रेगुलेट करता है पिगमेंट को ऑन द स्किन के अंदर, रेगुलेट करता है पिगमेंट ऑन द स्किन के अंदर। उसके बाद साइटोकाइनिन कि अगर मैं बात करूंगा, एक्ट एज स्मूथ मसल एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फीमेल कॉन्ट्रेक्शन यूटेरस के अंदर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ये आपका मिल्क इजेक्शन में भी बहुत मदद करता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन की अगर मैं बात करूँ, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, किडनी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन करवाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बाय द डिस्टल डिस्टल ट्यूबल ट्यूबल के थ्रू। इसके क्या होता है, रिड्यूस कर देता है लॉस ऑफ वाटर को थ्रू द यूरिन, डायूरिसिस के नाम से हम जानते हैं कि क्या कर देता है, लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है तो डायूरिसिस होने से बचा देता है। उसके बाद डायबिटिक इंसिपिडस के नाम याद रखना है, डायबिटिक इंसिपिडस क्या हो जाता है, एंटी डायूट्रिक हार्मोन आते हैं यहाँ पे हो जाता है, जो जिसके अंदर क्या हो जाता है, एंटी डायट्रिक हार्मोन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है, वहाँ पे वाटर लॉस होती ही जाता है, डिहाइड्रेशन कंटेंट होती रहती है। वेन ADH डिमिनिश हो जाएगा एबिलिटी तो किडनी टू कंजर्व वाटर, कंजर्व जो है आपका एडिनोस एंटी डायट्रिक हार्मोन क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, तो किडनी कंजर्व नहीं कर पाती है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की, यहाँ पे बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लोकेट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, पीनियल सिक्रेटिंग हार्मोन कॉल मेलाटोनिन को सिक्रेट करते हैं, स्लीप वेक साइकिल के अंदर भी आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर के अंदर भी आ सकता है। मेलाटोनिन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी को, अगर हमारा मेंटेन करता है। अगर मैं बात करता हूँ, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, पीनियल सिक्रेट करता है हार्मोन कॉल मेलाटोनिन, उसके बाद स्लीप वेक साइकिल में आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर के अंदर आ जाएगा। मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखने को मिलता है, एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी के अंदर देखने को मिलता है। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द टिप फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस, इस्थमस आ जाता है, इनके अंदर थिक फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर देखने को मिलता है इस्थमस। आई होप आपको पीनियल ग्लैंड समझ में आ गया होगा, थायराइड ग्लैंड को देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या कंपोज करता है, फॉलिकल्स को, स्ट्रोमल टिश्यूज को भी कंटेन करता है ये, फॉलिकुलर सिंथेसिस इन अ टू हार्मोन, जैसे कि आपका टेट्रा आइडिनो थायरोस थाइनोनिन और ट्रायोक्सिन जो कि T4 की बात कर रहा है, ट्रायोडो थायरोनिन जो कि T3 की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, डिफेंसिव डिफेंसिव ऑफ द आयोडीन इन आर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरोडिज्म की यहाँ पे बात कर रहा है। एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज कॉल्ड ग्वाइटर की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड अगर आपका एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसके अंदर ग्वाइटर देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर मैं बात करूंगा, प्रेगनेंसी के कॉज करता है बेबी, लीडिंग टू द स्टंट ग्रोथ, क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, स्टंट ग्रोथ के अंदर देखने को मिलता है क्रिटिनिज्म। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है आपको, लो इंटेलिजेंस और ऑफ द अबनॉर्मल स्किन देखने को मिलती है, डीप म्यूटिज्म देखने को मिलता है। तो ये आपका एक और हाइपोथायरॉयडिज्म का एक केस आ जाता है, जहाँ पे आपका प्रेगनेंसी की वजह से बेबी को क्या हो जाता है, स्टंट ग्रोथ होती है, क्रिटिनिज्म होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ बहुत कम होता है इनका, एबनॉर्मल स्किल होती है, डीप म्यूटिज्म इनके अंदर हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपो एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्वाइटर के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कुछ और हाइपोथायरॉयडिज्म के, इन अडल्ट वुमेन में अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म को इररेगुलर कर देगा, क्या कर देगा, इररेगुलर कर देगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, बिकम इररेगुलर। हाइपर थायरॉयडिज्म की अगर मैं बात करूँ तो एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर की अगर बात करते हैं तो एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, प्रोस्ट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स का प्रोस्ट्रूजन मतलब आईबॉल्स आपके एकदम एकदम एनलार्ज देखने को मिलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से आपका वेट लॉस हो जाता है, ग्रेव डिजीज होती है, क्या होती है इससे, ग्रेव डिजीज के नाम से हम जाते हैं। थायराइड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी मदद करता है, आपको ये भी याद रखना है थायराइड किस किस काम में करता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को कंट्रोल करने में मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द थायराइड हार्मोन, ओके, ऑल्सो सिक्रीट द प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड द थायरोकैल्सिटोनिन जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपको सारी चीज़ें बताना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी फॉलो करता है, सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन में, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ठीक है, मेंटेन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इंप्लूज बाय द थायरॉयड हार्मोन, ऑल्सो सिक्रीट करता है प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड द थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड की यहाँ पे बात करेंगे,
जो कि सिक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन को कॉल पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच की यहाँ पे बात आ जाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड के अंदर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर। पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि एक्ट करता है बोन के ऊपर, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन मतलब डिजोल्यूशन और डी मिनरलाइजेशन की वजह से भी आपको देखने को मिलता है। पीटीएच जो कि ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम प्लस बाय द रीनल ट्यूब्स के थ्रू करता है। इंक्रीज द कैल्शियम टू प्लस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड के अंदर आपको देखने को मिलता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। उसका टीसीडी प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन अ कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, कैल्शियम का बैलेंस करने में बॉडी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल बॉडी को, वो बोन के ऊपर स्टिमुलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ डी मिनरलाइजेशन के अंदर भी करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, इंक्रीज करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। और हाइपर कैल्शियमिक जो कि हार्मोन है इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। अलॉन्ग द टीसीडी ये प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस की, सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल द थाइमोसिन, थाइमोसिन के नाम से हम जानते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन इनके अंदर होता है। थाइमोसिन प्ले द मेजर रोल इन अ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करने में मदद करता है। विच प्रोवाइड द हार्मोनल इम्यूनिटी, क्या होता है हार्मोनल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। सिक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल थाइमोसिन, थाइमोसिन जो कि प्ले करता है मेजर रोल इन अ डिफरेंशिएशन एंड द टी लिम्फोसाइट विच इज प्ले अ प्रोवाइड अ हार्मोनल इम्यूनिटी, थाइमस मेरा करता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर टू टाइप ऑफ टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एड्रेनल मेडुला आउटसाइड देखने को मिलता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स इनसाइड देखने को मिलता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है, अल्टर करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कॉजिंग एक्यूट वीकनेस, क्या करता है एक्यूट वीकनेस कॉज करता है, फैटिक करता है, फैटिक मतलब लूजनेस वगैरह आ जाता है, लीडिंग टू द डिजीज कॉल्ड एडसन डिजीज देखने को मिलती है इनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेनल मेडुला की, अगर बात करूंगा मैं एड्रेनल मेडुला के अंदर दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक एड्रेनल एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनिन नॉन एपिनेफ्रिन इसके मेडुला के अंदर चले जाते हैं। ये क्या करते हैं इनको दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम कैथेलो कैलामाइंस। ठीक है, अभी एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर देख लिया आपने वीकनेस और फैटिक वगैरह, एडसन डिजीज, एड्रेनल मेडुला में ये दो हार्मोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैथेलो कैथोकोलामाइंस के नाम से जाते हैं। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे जाते हैं दोनों भी हमारे जो है हार्मोन टू फाइट करने में मदद करते हैं। पिट्यूटरी डायलेशन, प्रोलेरेक्शन, राइजिंग ऑफ द हेयर, स्वेटिंग वगैरह जब आपको हो रहा होता है इस समय ये आपके इस तरीके का दिखाते हैं। इंक्रीजिंग हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ द हीट कॉन्ट्रेक्शन, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रेस्पायरेशन को भी बढ़ा देते हैं। कैथोकोलामाइन जो कि स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, रिजल्टिंग एंड इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, क्या हो जाता है इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, विच स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, अगर आपका ब्लड इंक्रीज हो गया तो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स की, अगर मैं बात करूँ कैन डिवाइड इन टू थ्री लेयर्स कॉल्ड जोना रेक्टोलिसिस जो कि इनर लेयर होगा, जोना फेसिकुलेटर जो कि मिडल लेयर होगा, जोना ग्रेनुलोसा जो कि आउटर लेयर होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अगर सीक्रेट करता है मेन हार्मोन कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड, क्या कहते हैं उसको कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्या कहते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्या जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ पे आ जाता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूंगा मेनी हार्मोन कॉमनली कॉल्ड एज अ कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड जो कि विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर, बैलेंस ऑफ द वाटर को भी रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट करता है, कॉल्ड एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के नाम से हम जानते हैं। एल्डोस्टेरोन की अगर मैं बात करूंगा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है आपका इन आर बॉडी, बॉडी के अंदर आपका मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर मैं बात करूंगा स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनोजेनेसिस, क्या करता है आपका कॉर्टिकॉइड का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोनोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन जो कि मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आर बॉडी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस यहाँ पे आता है, इनिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे आ जाता है। तो इनिबिट द सेलुलर अपटेक एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे देखने को मिलता है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी मदद करता है एज वेल एज किडनी फंक्शन को भी मदद करता है।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर मैं बात करूंगा, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल जो कि प्रोड्यूस करता है एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन कॉल्ड द सप्रेसर दैट इम्यून रिस्पॉन्स, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। तो क्या करता है आपका पर्टिकुलरली कॉर्टिकोल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स का यहाँ पे आ जाता है। कॉर्टिसोल जो कि स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एनए प्लस एंड वाटर एक्सक्रीशन ऑफ द के प्लस एंड पोटेशियम आयन का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका जो है कॉर्टिकॉइड के बारे में बता दिया मैंने आपको, किस तरीके से आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स वगैरह सब की यहाँ पे एड्रेनल मेडुला की यहाँ पे ऊपर बात कर ली थी हमने, जिसके अंदर लिपिड और प्रोटीन का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा दिया था। एड्रेनल कॉर्टेक्स में सेम चीज होती है, कुछ लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, कुछ हार्मोन कॉर्टिकॉइड को शो स्टोर सिक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं उसको, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का मिनरल कॉर्टिकॉइड भी करता है इन आर बॉडी। एल्डोस्टेरोन इज मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड इन आर बॉडी, एल्डोस्टेरोन मेन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटेड ग्लूकोजेनेसिस लिपोलाइसिस एंड प्रोटीलाइसिस को स्टिमुलेट करता है आपका अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। कॉर्टिसोल आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल आता है प्रोड्यूस इन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द एनए प्लस एंड वाटर एक्सक्रीशन के प्लस पोटेशियम आयन के अंदर चले जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास के अंदर आपको देखना है ग्लूकोजन और इंसुलिन का, आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है नोट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट सेल ऑफ द लेफ्ट इलिट्स ऑफ लिगर हैंड, जो कि दो देखने को मिलते हैं, एक अल्फा सेल हो जाता है और एक बीटा सेल। अल्फा सेल को क्या कहते हैं हम ग्लूकागॉन और बीटा सेल को क्या कहते हैं इंसुलिन, दोनों भी एंटीगोनास चलते हैं एक दूसरे के। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा ग्लूकागॉन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। लीवर सेल के ऊपर चलता है हेपेटोसाइट्स के ऊपर, स्टिमुलेट द ग्लूकोलाइसिस ग्लाइकोनो ग्लूकोजिनियोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, रिजल्टिंग इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं हम इसको, जिसके अंदर क्या हो जाता है रिजल्टिंग एंड इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल को भी कर देता है। ग्लूकोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोजिनियोजेनेसिस, ग्लूकोन रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक्स को और यूटिलाइजेशन को, और ग्लूकागॉन जो कि हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन की, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, आपका पेप्टाइड ही हार्मोन है, और रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन होमोस्टेसिस के अंदर रेगुलेशन करता है ग्लूकोज का, ठीक है, एक्ट ऑन हेपेटोसाइट मतलब लीवर के अंदर ही एक्ट करता है ये, एडिपोसाइट्स के अंदर सेल ऑफ द एडिपोस टिश्यू के अंदर भी एक्ट करता है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, रिजल्टिंग डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अभी हमने यहाँ पे ग्लाइसेमिक ग्लूकागॉन में इंक्रीज किया तो यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक कर देगा ये, ठीक है, उसमें हाइपरग्लाइसेमिक कर दिया था हमने। और इंसुलिन स्टिमुलेट द ओ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज ग्लूकोजेनेसिस टू इन द टारगेट सेल, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिक जो कि लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। प्रोलॉन्ग अगर आपका आपका जो है हाइपरग्लाइसेमिक ज्यादातर देखने को मिल जाएगा तो डायबिटिक मेलाइटस हो जाएगा एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड इज नोन एज अ कीटोन बॉडीज तरीके का आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टेस्टिस एंड ओवरीज की भी बात कर लेंगे। आपका टेस्टिस का मैंने बता ही दिया था आपको, जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल और स्ट्रोमाटा, इंटेस्टाइनल टिश्यू जो कि लेडिक सेल को चलता है और इंटेस्टाइनल सेल जो प्रेजेंट होता है आपका इंटरट्यूबुलर स्पेस ऑफ द प्रोड्यूस करता है हार्मोन क्या एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन लेवल को टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता है। ओवरी की अगर मैं बात करूँ ऑल्सो एक्ट टू ग्रुप्स ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन प्ले द कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरियन फॉलिकल जो कि ईस्ट्रोजन आ जाता है, ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करते हैं ईस्ट्रोजन को करते हैं और आपका कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन को रिसीक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूँगा ग्रोथ एंड एक्टिवेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूँगा सपोर्ट द प्रेगनेंसी ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड को भी सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन एलवाई स्टोर करता है मिल्क के अंदर एंड मिल्क सेक्रेशन के अंदर हमारा ओटी काम में आता है। हार्मोन जो कि आपके हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन प्रेजेंट है एक्टिवल न्यूट्रेसिक फैक्टर जो कि डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी की अगर मैं बात करूँगा जस्टा गोल्यूमर सेल जो कि किडनी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पेप्टाइड हार्मोन कॉल द इरेथ्रोप्रोटीन स्टिमुलेट द इरेथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी के अंदर आ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आपका गैस्ट्रिन सिक्रेटिन कोलियोकोसाइटोकाइनिन और जीआईपी गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिन की अगर मैं बात करूँ एट गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रो
क्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन की यहाँ पे बात करेंगे। सिक्रेटिंग की अगर बात करूंगा, एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रिया स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर देखने को मिलता है। कोलियोकोसाइटोकाइनिन अगर मैं बात करूँ, एक्ट ऑन बोथ पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम कॉल बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस दोनों की तरफ यह आपका चलता है। जी आई पी गैस्ट्रिक इनिबिटरी गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑफ द मोटिलिटी के अंदर करता है, और उसका गैस्ट्रिक जो कि ग्लैंड है सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन पेप्सिनोजेन। नो एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट द हार्मोन कॉल द ग्रोथ फैक्टर असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग ऑफ द रीजनरेशन। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जो कि इंसुलिन ग्लाइकोजन प्रोटीन हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन सारे हार्मोन आ गए। स्टेरॉयड हार्मोन में आपका कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन मतलब ये ईस्ट्रोजन हो गया प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है, एंडोथायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड को जाता है, अमाइनो डेरिवेटिव जो कि एपिनेफ्रिन के अंदर चला जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो कि नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो टारगेट सेल को डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको सेकेंडरी मैसेंजर लगते हैं जैसे कि साइक्लिक एएमपी आईपी3 सीए प्लस। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से आपको जो हार्मोन है ये आपको हार्मोन देखने को मिल रहा है यहाँ पे एफएसएच जो कि आपका डायरेक्टली आपका मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत करती है फिर जाके ये रिस्पॉन्स करता है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कुछ आपको, अगर एस्ट्रोजन वगैरह आपके जैसे हार्मोन आ गए तो यहाँ पे देख लेना आपका डायरेक्ट एंट्री करते हैं, यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर का काम जरूरत नहीं है। स्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं इनको, और स्टीरॉयड हार्मोन नहीं एस्ट्रोजन जो कि आपका जो है, एक मिनट, एस्ट्रोजन आपका स्टीरॉयड हार्मोन ही है ना। हाँ, स्टीरॉयड हार्मोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टीरॉयड हार्मोन में आपका क्या है, डायरेक्ट चले जाता है, नो सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए इसको, न्यूक्लियस जीनोम और एमआरएनए जैसे डायरेक्टली आपका जो है इस्ट्रोजन आपका इस तरीके से आपका एक्ट करता है। तो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे केमिकल कॉर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन खत्म होता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आपका इसी के साथ पूरा 11th का जो है पूरा टॉपिक यहाँ पे 11th की जो पूरी बायोलॉजी है यहाँ पर खत्म होती है हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, और आपको पीछे की वीडियो अगर आपके बैकलॉग हुई, अगर आप इस बार नए हो तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, आपको एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर बस आपको देखना है ये आपको नोट्स, और अगर नोट्स चाहिए तो आपको ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन